मैंने सोमवार की शुरुआत एक भयानक अंदाज में की। मंगलवार का पूरा दिन दर्द में गुजरा। बुधवार को दर्द थोड़ा कम हुआ, इसीलिए गिलहरियों के साथ थोड़ी मस्ती की, लेकिन दूर से ही। गुरुवार को चाइनीज खाने की तलब को शांत किया। शुक्रवार को अर्नब ने कड़क चाय पिलाई। शनिवार को तबीयत थोड़ी खराब होने लगी। रविवार को दही वड़ा खाया। सोमवार को अर्नब की लाई हुई मिठाइयाँ खाई और मंगलवार को फिर से अपने चटपटे खाने की तलब को शांत किया। बुधवार को मैंने घर पर इलिश माछे तिल बेगुन झोल बनाया। गुरुवार को मौसम सुहाना होने लगा। शुक्रवार को ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। शनिवार को बिरयानी खाने का मन किया। फिर रविवार को बारिश का मजा लेते हुए फ्रेंडशिप डे मनाया हमने खाने के साथ। सोमवार बारिश का इंतजार करते हुए गुजर गया। मंगलवार को तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। बुधवार से मैंने अपनी डांस क्लास ज्वाइन कर ली और गुरुवार को भी क्लास मिस नहीं की। शुक्रवार को अर्नब का लाया हुआ केक खाया। शनिवार को मैंने रोल मंगवा लिया। रविवार को फिर से बिरयानी खाने का मन किया। सोमवार को मैंने श्रावण के सोमवार वाली पूजा करके पूड़ियाँ मंगवाई और रात का खाना घर पर ही बना लिया। फिर मंगलवार को नूडल्स बनाई और बुधवार यानी अगस्त 14 को कुछ नहीं बनाया। 15 अगस्त के पूरे दिन हमने बाहर से कुछ न कुछ मंगवा कर खाया और उसके अगले दिन आइसक्रीम खा ली।